हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज मैं कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविवर मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आइए देखिए। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। बच्चों, इसकी व्याख्या देखने से पहले आप संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पद्य खंड राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी काव्य खंड में संकलित पंचवटी शीर्षक कविता से अवतरित है। इसका प्रसंग भी देख लीजिए। इस पद्य में पंचवटी नामक स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, व्याख्या देखिए। प्रस्तुत छंद में कविवर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि चार चंद्र की चंचल किरणें, चार माने सुंदर, चंद्र माने चंद्रमा, चंचल माने स्वच्छ। देखिए व्याख्या, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जल और थल में खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। जल और थल में चंद्रमा की चंचल किरणें, चंद्रमा की सुंदर और चंचल किरणें जल और थल में चारों ओर क्या कर रही हैं? खेल रही हैं। फिर से देख लीजिए, जल और थल चारों ओर चंद्रमा की सुंदर चंचल किरणें क्या कर रही है? खेल रही है, क्रीड़ा कर रही है। पृथ्वी और अगला देखिए, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर अंबर तल में। अवनि माने पृथ्वी। देखिए आगे कबीर क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी और आकाश में अंबर तल, अवनि और अंबर, अंबर माने आकाश, अवनि माने पृथ्वी। पृथ्वी और आकाश में चंद्रमा का प्रकाश कैसे दिखाई दे रहा? चंद्रमा का प्रकाश ऐसे दिखाई दे रहा है या चंद्रमा का प्रकाश चारों तरफ ऐसा फैला हुआ है जैसे लगता है कि किसी ने स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने धरती पर सफेद चादर बिछा दी हो, सफेद चादर बिछा दी हो। आगे देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पृथ्वी अपनी प्रसन्नता कैसे प्रकट कर रही है? पुलक माने प्रसन्नता। पृथ्वी अपनी धरती, धरती क्या कर रही है? अपनी प्रसन्नता ऐसे प्रकट कर रही है, ऐसे प्रकट कर रही है, कैसे कर रही है? अपनी प्रसन्नता वह हरी भरी तृणों माने घासों की हिलती हुई नोकों से प्रकट कर रही है। कैसे प्रकट कर रही है? हरी भरी घासों की हिलती हुई नोकों से प्रकट कर रही है। मानो झीम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। आगे कबीर कह रहे हैं कि वृक्ष भी क्या कर रहे हैं? तरु माने वृक्ष, वृक्ष भी धीरे धीरे, मंद माने धीरे धीरे, वायु के, हवा के, पवन माने हवा या वायु, वायु के झोंकों से क्या कर रहे हैं? हिल रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो भी क्या कर रहे हैं? अपनी प्रसन्नता को दिखा करके झूम रहे हों। बच्चों, इसमें काव्यगत सौंदर्य भी देख लीजिए। भाषा आपकी क्या है? इसमें खड़ी बोली है, रस श्रृंगार रस है, माधुरी गुण है, अलंकार आपका अनुप्रास उत्प्रेक्षा तथा अनुमानवीकरण है, और छंद आपका क्या है? मात्रिक छंद है। अब अगला देख लीजिए। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धरुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, सुंदर पर्ण, सुंदर पर्ण माने पत्तों की कुटिया है ना,
और पंचवटी। पंचवटी का मतलब क्या होता है? पंचवटी का मतलब होता है पांच बरगद के वृक्षों का समूह। शिला माने क्या होता है? पत्थर होता है। धीर धैर्यवान निर्भीक माने निडर। भुवन माने संसार। कुष्मा युद्ध माने होता है कामदेव। देखिए पंचवटी की छाया, इसको देखने से पहले प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत छंद में कवि ने पंचवटी की कुटिया पर पहरा देने वाले लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व का सुंदर वर्णन किया है। सुंदर वर्णन किया है। आगे देखिए व्याख्या। पंचवटी की छाया में, देखिए मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि यहाँ पांच बरगद के वृक्ष हैं, इसलिए यह स्थान क्या कहलाता है? पंचवटी कहलाता है। आगे कह रहे हैं इस पंचवटी की छाया में है, क्या बना हुआ है? पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है। कुटीर माने कुटिया। एक कुटिया बनी हुई है और उसके सम्मुख, सम्मुख माने सामने, और उस कुटिया के सामने साप पत्थर की शिला पर कोई धनुष जाग रहा है, धनुर्धर कोई धनुष को धारण किए हुए धैर्यवान या धैर्यशाली वीर तथा निडर मन वाला क्या कर रहा है? व्यक्ति जाग रहा है जबकि भुवन भर सोता है। जबकि इस समय सारा संसार क्या है? सो रहा है। यह भी पता है कि जब यह सारा संसार, जबकि उस समय सारा संसार सो रहा है, परंतु यह वीर क्यों जाग रहा है? यह ऐसे दिखाई दे रहा है। यह वीर कैसे दिखाई दे रहा है? यह वीर ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे भोगी। भोगी माने होता है सांसारिक सुखों के भोग की कामना करने वाला। यह ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे सांसारिक सुखों के भोग की कामना करने वाला कामदेव। कुष्मायुध माने कामदेव कैसे हैं? योगी के समान बनकर यहाँ बैठे हुए हैं। कैसे लग रहे हैं? ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कामदेव योगी बनकर, कामदेव ही जो है वह क्या बन गया है? योगी का रूप धारण किए हुए यहाँ बैठा हुआ है। काव्य का सौंदर्य बच्चों देख लीजिए। गुड़ आपका प्रसाद गुड़ है, मात्रिक छंद है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है। बच्चों आगे देखिएगा फिर।